माननीय काशीराम जी, इनका जन्म 15 मार्च 1934 रोड़ापुर पंजाब में हुआ था। माननीय काशीराम एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इनका जन्म एक अल्प शिक्षित परिवार में हुआ था, लेकिन माननीय काशीराम जी ने बहुत पढ़ाई की। वह अपने परिवार के पहले और ज्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की और फिर गरीबों अछूत लोगों के लिए काम किए, दलितों को उनके हक दिलाने के लिए संघर्ष किए। माननीय काशीराम राम जी ने अपने बहुजन समाज की स्थापना की और बहुजन समाज के साथ मिलकर दलित और अछूतों को उनका हक, उनका सम्मान दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। प्रारंभिक जीवन। काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोड़ापुर में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। यह एक ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया था। काशीराम के पिता अल्प शिक्षित थे, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे। काशीराम के 2 भाई और 4 बहनें थीं। काशीराम सभी भाई बहनों में सबसे बड़े और सबसे अधिक शिक्षित भी थे। उन्होंने BSSC की पढ़ाई की थी। 1958 में स्नातक होने के बाद काशीराम ने पुणे में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। व्यवसाय राजनेता। काशीराम एक भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक है। उन्होंने अछूतों और दलितों के राजनीतिक एकीकरण तथा थान के लिए जीवन प्रयत्न कार्य किया। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए एक ऐसी जमीन तैयार की जहां पर वे अपनी बात कह सके और अपने हक के लिए लड़ सके। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने कई रास्ते अपनाए, पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम थी। काशीराम जी ने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए और उन्हें एक मजबूत और संगठित आवाज देने के लिए समर्पित कर दिया। वे आजीवन अविवाहित रहे और अपना समृद्ध जीवन पिछड़े लोगों, लड़ाई और उन्हें मजबूत बनाने में समर्पित कर दिया। कार्यकाल। 1965 में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश रद्द करने के विरोध में संघर्ष किया। इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित समाज के लिए लड़ने का मन बना लिया। उन्होंने संपूर्ण जातिवादी तथा प्रथा और डॉक्टर BR अम्बेडकर के कार्य का गहन अध्ययन किया और दलितों के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए। आखिरकार सन 1971 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारियों कल्याण संस्था की स्थापना की। यह संस्था पूना परोपकार अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत की गई थी। हालांकि यह संस्था का गठन पीड़ित समाज के कर्मचारियों का शोषण रोकने और असरदार समाधान के लिए किया गया था, लेकिन इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था लोगों को शिक्षित और जाति प्रथा के बारे में जागृत करना। धीरे धीरे इस संस्था में अधिक से अधिक लोग जुड़ते गए, जिससे यह काफी सफल रही। सन 1973 में काशीराम ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बॉम्सेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयड फेडरेशन की स्थापना की, जिसका पहला क्रियाशील कार्यालय सन 1976 में दिल्ली में शुरू किया गया। इस संस्था का आदर्श वाक्य था, एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड रजिस्टर्ड। इस संस्थान ने अंबेडकर के विचार और उनकी मान्यता को लोगों तक पहुंचाने का बुनियादी कार्य किया। इसके पश्चात काशीराम जी ने अपना प्रयास तंत्र मजबूत किया, लोगों को जाति प्रथा भारत में इसकी उपज और अंबेडकर के विचारों के बारे में जागरूक किया। वे जहां भी गए उन्होंने अपनी बात का प्रचार किया और उन्हें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। सन 1980 में उन्होंने अंबेडकर मेला नाम से पद यात्रा शुरू की, जिसमें अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों को चित्र और कहानियों के माध्यम से दर्शाया गया। 1984 में काशीराम जी ने बॉम सेफ के समांतर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। इस समिति की स्थापना उन कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए की गई थी जिन पर जाति प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमले होते थे। हालांकि यह संस्था पंजीकृत नहीं थी, लेकिन यह एक राजनीतिक संगठन था। 1984 में काशी
काशी राम जी ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। 1986 में उन्होंने ये कहते हुए कि अब वे बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और संस्था के लिए काम नहीं करेंगे, अपने आप को राजनीतिक कार्यकर्ता से एक राजनेता के रूप में परिवर्तित किया। पार्टी की बैठकों के और अपने भाषणों के माध्यम से काशी राम जी ने कहा कि अगर सरकारें कुछ करने का वादा करती हैं, तो उसे पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा वे ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनमें वादा पूरा करने की क्षमता नहीं है। राजनीतिक योगदान। अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के द्वारा काशी राम ने निचली जाति के लिए लोगों को एक ऐसी बुलंद आवाज दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और बिहार में निचली जाति के लोगों को असरदार स्वर प्रदान किए। मृत्यु। काशी राम जी को मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या थी। 1994 में उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका था। दिमाग की नस में खून का गठा जमने से 2003 में उन्हें दिमाग का दौरा भी पड़ा। 2004 के बाद खराब सेहत के चलते उन्होंने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया। करीब 2 साल तक यथाग्रस्त रहने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से किया गया। विरासत। काशी राम जी की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है उनके द्वारा स्थापित किया गया राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी। उनके सम्मान में कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों में काशी राम अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद पुरस्कार 10 लाख रुपए, काशी राम कला रत्न पुरस्कार 5 लाख रुपए, काशी राम भाषा रत्न सम्मान 2.5 लाख रुपए शामिल है। उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम काशी राम नगर रखा गया है। इस जिले का नामकरण 15 अप्रैल 2008 को किया गया था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।